सब्सक्राइब कीजिए ज्ञान ओके चैनल को, और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञान ओके में। दोस्तों, आज किसानों के लिए जो बजट में जो चीज़ें जो आज हुई हैं, जो किसानों के लिए जो घोषणाएँ हुई हैं, उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में भी इस बजट में कुछ बातें हुई हैं, और किसानों के लिए कुछ योजनाओं के बारे में घोषणा हुई है, वो आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य है 2022 तक। 11 करोड़ किसानों को फसल बीमा योजना दी जाएगी। खेती मछली पालन पर जोर दिया जाएगा और कृषि को प्रतिस्पर्धात्मक बनाया जाएगा, उनके लिए नई उन्नति लाई जाएगी। इसी तरह इसमें काफ़ी सारी योजनाएँ हैं, और पीएम कुसुम योजना के तहत 20 लाख किसानों को सोलर पंप भी दिए जाएंगे। महिलाओं के लिए धनलक्ष्मी योजना शुरू की जाएगी, और किसानों के लिए जल्दी रेल चलेगी। जल्दी ख़राब होने वाली वस्तुएं जैसे कि दूध, मांस, मछली के लिए ये ट्रेन चलेगी, और पीएम किसान के सभी पात्र केसीसी स्कीम में लाए जाएंगे, और मनरेगा को चारागार के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, इसमें जो किसानों के लिए जो कुछ ये जो पीएम किसान सम्मान निधि है, इसके बारे में भी कुछ बोला गया है। पीएम किसानों के लिए जो योजना जो शुरू की गई है पीएम किसान सम्मान निधि, तो इसके बारे में लिखा हुआ है, किसानों को सालाना 6,000 रुपये की निश्चित राशि देने के लिए शुरू की गई स्कीम पीएम किसान योजना के मद में आवंटन राशि पर राज्यों की बेरुखी की वजह से आगामी बजट में इसमें कैंची चल सकती है, यानी इसका बजट घटाया जा सकता है। और माना जा रहा है कि इस बार केंद्र सरकार ने इस मद में 20% कम राशि का आवंटन करेगी। बजट 2019-20 में जहां योजना को 75,000 करोड़ रुपये मिले थे, वहीं 2020-21 के लिए 60,000 करोड़ मिलने का ही अनुमान लगाया जा रहा है। इस साल पश्चिम बंगाल ने योजना को लागू नहीं किया, जबकि अन्य राज्यों ने किसानों का इसका व्यापक लाभ नहीं पहुंचाया है। तो किसानों को इसका लाभ पूरा मिला नहीं है, बहुत सारे किसान हैं। और कृषि मंत्रालय की पीएम किसान वेबसाइट के अनुसार योजना के तहत कुल चिन्हित 8.80 करोड़ लाभार्थियों में से 8.35 करोड़ छोटे किसानों को पहली किस्त के रूप में 2,000 रुपये किस्त दी गई है। वहीं दूसरी किस्त में लाभार्थियों की संख्या घटकर 7.51 करोड़, तीसरी में 6.12 करोड़ और चौथी में केवल 3.1 करोड़, ये 29 जनवरी का डेटा है, ये रह गई है। तो दोस्तों, ये एक पीएम किसान सम्मान निधि के बारे में आपके लिए जो नया अपडेट है। इसका बजट कम होने वाला है, क्योंकि बहुत सारे किसान हैं जिनको कि केवल पहली किस्त मिली है, और उससे कम है जिनको केवल दूसरी मिली है, और उससे और कम हो गए हैं तीसरी किस्त तक, और चौथी किस्त तक बिल्कुल आधे से आधे हो गए हैं। अब दोस्तों, यूपी के जो किसान हैं, 1.4 करोड़ किसानों को नहीं मिलेगी किस्त। अब इसका कारण बता देते हैं आपको। लाभार्थियों की संख्या की कमी के कारण उन्होंने कहा है कि पोर्टल पर डाले गए आंकड़ों में विसंगतियां पाई गई हैं। जैसे कि आप सभी बताते हैं कमेंट में वीडियो के कि आपका ये चीज़ गलत हो रखी है, ये चीज़ गलत हो रखी है, तो उसी के कारण यूपी में 1.4 करोड़ किसानों को इसकी किस्त नहीं मिलने वाली है। और बिहार में भी दोस्तों जो है 54 लाख किसानों को पहली किस्त जो मिली थी, और दूसरी किस्त और कम हो गई, और तीसरी में ये और कम हो गई, और चौथी में ये केवल 1.85 करोड़ के पास रह गई है। अब दोस्तों, पिछले साल ये योजना शुरू की गई थी, तो अब इसका जो बजट था उस टाइम बहुत ज़्यादा था, और अब इसका बजट जो है कम हो चुका है, क्योंकि किसानों की संख्या इसमें धीरे धीरे घट रही है, क्योंकि किसानों का जो डेटा है वो गलत हो रखा है, और गलत होने के कारण जो डेटा विसंगति के कारण अब बहुत सारे किसानों को जो है इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आपका जो योजना में जो आपने आवेदन फॉर्म भरा है उसमें जो कुछ गलती हो रखी है, तो उसके लिए आपको तहसील स्तर पे आपको उसमें सुधार करवा लेना है। तहसील स्तर से आप उसमें सुधार करवा सकते हैं। और छोटे किसानों की आय बढ़ाने के इरादे से ये योजना लाई गई थी, लेकिन आंकड़ों से स्पष्ट है कि योजना में जो लाभार्थियों की सूची है वो लगातार घट रही है, और ये जो योजना है इसमें बड़ी संख्या में किसान इस योजना से बाहर हो रहे हैं। तो दोस्तों, ये इस तरह से आप देख सकते हैं पीएम किसान सम्मान निधि का जो है बजट कम हो गया है। और इसी तरह दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे साथ बने रहें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगर आपका भी कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर इस तरह की नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।